राधे राधे दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? तो आज का ब्लॉग सुबह सुबह किचन में मैंने कैमरा लगा के शुरू कर दिया। सुबह के 6 बजे हैं, मोहित ने जाना है ऑफिस। पार्थ की आज प्रेपरेटरी लीव है, उसके 10th के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उसका पेपर एकदम छोड़ कर हो रहा है। तो सुबह मैं मोहित के लंच के लिए किचन में बना रही हूँ राजमा, बिना लहसुन प्याज के सारा खाना बनता है। अब जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ, तो राजमा की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा चलो सुबह लगा देती हूँ कैमरा ट्राईपॉड पे, किचन में रिकॉर्ड होता रहेगा, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? मैं ब्लॉग कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 दिन के गैप के बाद डाल दिया करूँ, पर अगर गैप थोड़ा ज़्यादा होगा तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। जब जब मुझे टाइम मिलेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आज मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, कैमरा लगा सकती हूँ एंड ऑल दैट, तो मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कैप्चर करने की। बाकी लाइफ का पेस अभी एकदम शांत वाला चल रहा है एंड आई एम एंजॉइंग इट, आनंद में हूँ मैं। कुछ लोग मेरे लिए थोड़ा सा सोच रहे थे कि दीदी आप उदास तो नहीं हो, या ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, सब ठीक है? तो मैं बता दूँ कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अति उत्तम। और हाँ, ये जो मैंने अभी राजमा मसाला डाला है, इसके लिए भी कुछ मेरे प्यारे व्यूअर्स मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि दीदी आपने अनियन गार्लिक बंद किया है, तो ये जो मसाले हैं इनके अंदर भी अनियन गार्लिक का कंटेंट होता है, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने देख लिया है, जिन जिन डब्बों में इंग्रेडिएंट्स में अनियन गार्लिक हैं, वो मैंने MDH के सारे मसाले हटा दिए हैं, जिसमें नहीं है वही रखा है। तो राजमा मसाला के अंदर कोई अनियन गार्लिक नहीं डला हुआ है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। इसी तरह से मैं घर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, कौन सी निकालनी है जिसमें अनियन गार्लिक है, कौन सी रखनी है, किसका मुझे रिप्लेसमेंट मिल सकता है विदाउट अनियन गार्लिक। तो इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है हमेशा की तरह, मसाला भून के टमाटर अदरक हरी मिर्च के साथ इसमें डाल दिए, रात के भिगोए हुए राजमा। पूरी रात भिगो कर रखती हूँ मैं, रात को ही सोच लेती हूँ सुबह कौन सी चीज़ लंच मील में बना कर देनी है। बस अब इसमें पानी वानी डाल के, नमक डाल के, और इसको चढ़ा देंगे सीटियों के लिए। तब तक मैं करूंगी बाकी की तैयारी। तो इसी तरह से रोज़ सुबह मेरी रूटीन रहती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, तो थोड़ा सा लेट चलता है सारा रूटीन, लेकिन होता यही है सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। तो वर्किंग डे है इसलिए मैं जल्दी उठी हुई हूँ, और जब सुबह सुबह किचन में उठते ही काम करना हो ना, तब व्लॉग करने का बिल्कुल भी नहीं सूझता। मतलब मन भी नहीं करता कि मैं कैमरे के एंगल देखूं, लगाऊं। एक तो टाइम थोड़ा होता है, फटाफट चीज़ें करके देनी होती हैं, और दूसरा अभी नींद पूरी तरह खुली भी नहीं होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सुबह नहीं लगा पाती कैमरा। अब ये मैं साथ में फुलके बना चुकी हूँ मोहित के टिफ़िन के लिए, और नाश्ते में मैं दे रही हूँ मूली के पराँठे। तो अभी मोहित के मूली के पराँठे पैक कर दूँगी और ये ऑफिस चले जाएँगे। उसके 1 घंटे बाद फिर सब अपनी मॉर्निंग रूटीन में आते हैं उठने के बाद। तब तक मम्मी पापा चाय पी लेते हैं, मम्मी सुबह आकर चाय अपनी और पापा की खुद बना के ले जाती हैं अराउंड 7:30, जब मैं किचन से निकल जाऊँ। फिर उसके बाद 8:30 आती है मेरी हाउस हेल्प सुबह के सारी सफाई बर्तन काम करने, तो तब मैं शुरू करती हूँ बाकी सबका नाश्ता बनाना, मम्मी पापा का अपना। आज पार्ट घर पर है, तो जब उसको भूख लगेगी उसे तब बना दूँगी। ये बन रहे हैं मूली के पराठे। पंजाबी हैं हम लोग, तो मोस्टली नाश्ते में पराठे होते ही हैं। मोहित और पास कई बार कुछ और चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा जो हैं वो नए नए लेटेस्ट वाले तरीके के नाश्ते जो हैं ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको तो पराठे ही बढ़िया लगते हैं। चाहे नमक अजवाइन का ही पराठा बना दो, पर पराठा चाय के साथ। तो अक्सर अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो मूली के, गोभी के, मेथी के, मक्की के, ऐसे अलग अलग पराठे बनते रहेंगे। ये मैं कर रही हूँ टिफ़िन पैक, और मैं इसी तरह से करती हूँ। पहले मैं पार्चमेंट पेपर में करती हूँ, फूड रैपिंग पेपर जो होता है उसके अंदर जैसे पराठे या फुलके रखे, फिर ऊपर से फॉइल भी डाल दिया। तो फॉइल का डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, एल्युमिनियम फॉइल का अच्छा नहीं होता है खाने के साथ डायरेक्ट टच, लेकिन मैं ऊपर से करती हूँ क्योंकि कई बार खाली पार्चमेंट पेपर में ना चीज़ गीली हो जाती है अगर वो बाहर से कवर्ड ना हो।
मुझे शुरू से आदत है, मैं दोनों में करती हूँ। जब मोहित को मैं लंबे वाला टिफिन देती हूँ तब मैं सीधा पार्चमेंट पेपर वाला ही डाल देती हूँ, फॉइल नहीं लगाती, बट अदरवाइज मैं फॉइल लगाती हूँ। और साथ में आपके जीजू को मैं देती हूँ ये पानी, गोखरू वाला पानी, बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हो, इसमें सौंफ, जीरा और गोखरू है। गोखरू एक आयुर्वेदिक पतंजलि की हर्ब है, ये किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, स्टोन्स जिनको बनते रहते हैं उनकी टेंडेंसी को कम करती है स्टोन बनाने की, और ओवरऑल जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखती है। तो यहाँ पर मेरे राजमा भी एकदम मस्त तैयार हो गए हैं, रस में से गाढ़े से, बहुत पतले पतले नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो ये मैं मोहित के लिए ग्लासवेयर के डब्बे में, शीशे का डब्बा है ये, इसमें डाल रही हूँ राजमा, थोड़ा सा ऊपर से गोवर्धन काओ देसी घी और थोड़ा सा फ्रेशली कट धनिया। तो बस ये लंच में राजमा रोटी और नाश्ते में मूली के पराठे और साथ में इनका गोखरू का पानी। टिफिन हो गया तैयार, टाइम हो गया था 7:10 और मैं इनके बैग में सब कुछ डाल दूंगी। ये रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नहा धो के पाठ कर रहे हैं, अभी मिलवा देती हूँ इनसे भी। और यहाँ पर देखा मैंने कि इन्होंने अपना पिछले दिन का टिफिन नहीं निकाला बैग से, तो ये थोड़ा सा सुबह सुबह मैं इन्हें लेक्चर दे रही थी कि क्यों नहीं निकालते हो तुम, बेटा भी तुम्हारा स्कूल से आकर अपना टिफिन निकाल के रखता है पर तुम नहीं निकालते, इतने बड़े हो गए हो। तो बोल रहे थे कि अरे मैं भूल गया, ज़्यादातर तो निकाल देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। ये लो आपके जीजू को भी मिल लो, राधे राधे। सबका नाश्ता हो गया है और देखो मैं आपको ये दिखाने के लिए बालकनी में सारे प्लांट्स अच्छे से अरेंज हो गए हैं। इधर मैंने ये स्टैंड ऑर्डर किए थे दो मीशो से, स्टेप वाले, और इसको यहाँ पर सारे, पहले सारे गमले ऐसे एल शेप में इधर उधर, तो सफाई नहीं हो पाती थी, रोज़ नीचे पोछा वगैरह नहीं लग पाता था बिकॉज पीछे जगह रह जाती गमलों के। तो अब ये स्टैंड के ऊपर हैं तो रोज़ अच्छे से नीचे पोछा, सफाई धुलाई सब हो जाती है, और एक जगह ये सेट भी हो गए हैं प्लांट्स। बचे हैं 12 और पाठ को पढ़ते पढ़ते लग गई है थोड़ी सी मिनी स्नैक भूख। तो ये मैंने वेजीज का मिक्सचर बना रखा था, इसमें है कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज और पनीर, तो वो मैंने होल व्हीट बर्गर बन में स्टफ कर दिया है मिंट मेयोनीज लगाकर, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने कुछ जो चेंजेस करे ना, जैसे अनियन गार्लिक हटाने के लिए, तो एक तो मैंने ये डाली है, इसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लिया है ना, तो इसमें गार्लिक है ना इसमें अनियन है, और ऐसी एक ये मैंने मंगाई है वीबा की पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नो अनियन नो गार्लिक, ये आती है मुझे पता भी नहीं था। तो ये लगाकर और बीच में स्टफिंग भर के मैंने इसको बन को सेक दिया है, इसको अब हम हाफ कर देते हैं। अभी 1-1.5 घंटे बाद लंच टाइम हो जाएगा, लंच के लिए मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये सुबह आपने देखा था टिफ़िन में मैंने राजमा दिए थे मोहित को, लंच तो हम इसी से करेंगे। ये कल की थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी पड़ी है, ये भी गरम कर लूँगी, और यहाँ मैं आलू उबलने रख रही हूँ, इवनिंग स्नैक में आलू चाट खाने का मन है बात का। देखिए उसको दे देते हैं, राधे 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 राधे। खा के देख, एक और चाहिए तो अभी बना लूँ, मिक्सचर है मेरे पास। राधे राधे दोस्तों, ये रही मैं, सुबह से आपको दिखी नहीं हूँ ना। तो पार्थ को बर्गर खिला दिया है और एक बर्गर मैंने भी खा लिया, मुझे भी भूख लग रही थी, मुझे नाश्ता कुकर है वो टाइम हो गया काफ़ी, और बस 12:30 हो गए हैं। अब मैं बैठने लगी हूँ एडिटिंग के लिए, यहाँ मैं अपना लैपटॉप ले आई हूँ, तो मुझे मकबैंग एडिट करना है, व्लॉग एडिट करना है, और देखो फिर कब डलता है। जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप ओपन करने के बाद सबसे पहला काम मैं करने वाली हूँ पेन ड्राइव को फिल करने वाली हूँ वीडियोज़ से, 4 वीडियोज़। तो जब से हम सद्गुरुदेव महाराज को सुन रहे हैं तो अब मम्मी पापा भी सुनने लग गए हैं, मम्मी तो घर पर होती ही हैं, पापा तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, तो मम्मी घर पर एज अ रूटीन सुनती हैं अब।
तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे टीवी में लगा दिया कर, तो मैं पेन ड्राइव में भर देती हूँ रोज़ गुरुदेव महाराज के दो प्रवचन, एकांतिक वार्तालाप, एक सत्संग वाला वीडियो और एक कीर्तन वाला, और फिर वो मैं मम्मी के टीवी में लगा देती हूँ तो वो दोपहर तक उसको देखती हैं और सुनती हैं। तो जी डल गए आज के वीडियोस, लगा देते हैं मम्मी को। हाउस हेल्प भी आ गई है मेरी। राधे राधे मम्मी। कुछ नहीं, नहीं नहीं आपके वीडियो लेकर आई, व्लॉग कर रही हूँ आज। सबको बोल दो राधे राधे। राधे राधे गाइस, मम्मी का आशीर्वाद ले लो, सबको बोल दो कि सुखी रहो हमेशा, सुखी रहो जी हमेशा, है ना। अपने आशीर्वाद दे दो, जितने दे सकते हो सबको मिल जाए। और क्या, और क्या, सारा दिन आशीर्वाद सबको देने भाई, सब कुछ। बड़ों के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हो जाता है जीवन। अरे ये देखो गाइस, पीछे लगा देते हैं पेन ड्राइव। लो मम्मी बड़ा वाला रिमोट। तो ये डल गए, आज दो वीडियो डाले हैं, एक आंतरिक वार्तालाप के, आप मम्मी जी देखेंगे ये दोपहर तक। राधे राधे, राधे। अरे ये तो मम्मी बाहर ही रह गया, आप ना आ रहे थे जब मैं आवाज मारी थी आरती का प्रसाद। पापा और आपका सुना है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो ये भगवान। छह रोटी बनाना। तो फ्रेंड्स डल गया है मेरा वीडियो, 23 मिनट हो गए हैं एंड 634 व्यूज हो गए हैं, और अब मेरा मन है कि मैं एक एंटरटेनमेंट वीडियो देख लूं। तो मैं देखने वाली हूँ संभावना सेठ एंटरटेनमेंट का व्लॉग, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, स्पेशली जिसमें इनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं संभावना के, और ये लोग सब मिलकर हंसते हैं और साथ में घूमते हैं रहते हैं, और इनके जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे से पपीज डॉग्स, उनको देखकर इस पूरी फैमिली की वाइब मुझे अच्छी लगती है। तो मैं जब कभी मेरा मन ऐसा होता है ना कि अच्छा चलो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया जाए, तो मैं मोस्टली इनका व्लॉग देख लेती हूँ। तो जी समय है लंच का, आलू उबल चुके हैं, हाँ गरम गरम है, तो गरम करते हैं राजमा और पनीर। पनीर तो पार्थ ले लेगा साथ में, राजमा जो है वो सुबह के बने तो थिक हो जाते हैं, इसलिए पहले मैं थोड़ा सा पानी बॉईल करूँगी, फिर उसके अंदर राजमा डाल के गड़का देंगे। तो जी यहाँ राजमा बॉईल हो गए हमारे, साथ में हरा धनिया, ठीक है जी। तो ये है राजमा रेडी, यहाँ मैंने मूली कट कर ली है सैलेड के लिए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं, एंड इस पे डालेंगे हम नींबू। तो ये डल गया है इसका नींबू का रस, अब इस पे जाएगा काला नमक, ये मूली पे थोड़ा सा काला नमक, इसको करेंगे मिक्स। सर्दियों में मूली गाजर का सैलेड बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। तो मैं डाल रही हूँ सबसे लंच थाली तैयार कर रही हूँ, मम्मी है घर पे, मैं हूँ और पार्थ है, पापा बाहर गए हुए हैं, वो अक्सर ज़्यादातर नाश्ता वाश्ता करके निकल जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फिर दोपहर को कभी आते हैं, मन होता है तो लंच करते हैं, नहीं तो चाय के साथ अटरम शटरम, ऐसी ही रूटीन है। इसलिए मोस्टली पापा घर पर होते भी नहीं कि आपको मैं बार बार ब्लॉग्स में दिखाऊँ, लेकिन अब तो आप मेरे ब्लॉग में देख चुके हो, उनके एनिवर्सरी वीडियो में तो जिनको भी शिकायत थी कि पापा नहीं नज़र आते उनको नज़र आ चुके हैं, और राधा रानी की कृपा रही तो आगे भी ब्लॉग्स में कहीं ना कहीं दिखते रहे। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, कैसे कैसे समय बदलता है, कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं, मैं तो बस सिर्फ बैठकर नज़ारे देख रही हूँ, भगवान की बहुत कृपा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ राधा रानी से कि आप सब पर और आपके परिवारों पर भी उनकी दृष्टि और उनकी कृपा सदा बनी रहे। तो जी अब हम करेंगे लंच, राजमा गर्मा गर्म साथ में मूली का सैलेड और चपाती के साथ, और पार्थ को यही ब्रेक मिलता है अभी पेपर के बीच में कि चलो उठ जा खाना खा ले, तो थोड़ा सा अपना बैट उठा लेता है क्रिकेट का,
ऐसे ही शॉर्ट्स वॉर्ट्स मारने लगता है, थोड़ी उसकी एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि पूरा टाइम चेयर पे बैठे बैठे पढ़ने से बहुत थकावट हो जाती है। तो मैंने यहाँ कैमरा लगा के छोड़ दिया था, उसको पता नहीं था और वो अपना शॉर्ट खेल रहा है और तब उसने सडनली रियलाइज करा कि अरे कैमरा चल रहा है। अरे ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है। बंद नहीं करना। क्यों? मैं तो आ रखी है नेचुरल, घर का चीजें आ रही हैं, क्या कर रहा है? तेरे तो ऐसे ही अपने आप को देखते कर रहा था, रिकॉर्डिंग ऑन चल रही है। ओ भाई कुछ तोड़ फोड़ मत देना। सुन जा भाई, अपनी अजन्मी बहन के भाई। तेरे को पनीर भी दे रही हूँ साथ में। ले जा बेटे। देखो गाइस कितना बड़ा बैंगन है, भरते के लिए भूज रही है हमारी जामबती। इसका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, इतना सुंदर है कि कहती है मेरा चेहरा दिखा दिया वीडियो में तो सबकी आंखें चौंधिया आ जाएंगी। तो ये हम बना रहे हैं आलू चाट अपने सुपुत्र और पति देव के लिए जो आ चुके हैं ऑफिस से। ये हमने आलू उबाल करके कर लिए हैं फ्राई और साथ में हमने बना लिया फटाफट से धनिए की चटनी अदरक और हरी मिर्ची डाल के। और इधर हमने बना लिया है गोलगप्पे का पानी। अब हमें करना है सब कुछ मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स। तो पहले हम डाल देते हैं इसमें चटनी। अब हम चटनी वाले डब्बे में डालते हैं गोलगप्पे का पानी, सब कुछ हिला मिला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं नमक मिर्च मसाले। यहाँ पे नाश्ते के लिए आटा गूंदेगी है, मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, मक्की का आटा, गेहूं का आटा, मूली और मेथी अभी धोकर डालेगी मिर्च मसाले। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ डिनर का सब्जी जिसमें मैंने बैंगन आलू कटवाए हैं। तो कुकर वाले बैंगन आलू टमाटर डाल के अदरक के साथ बिना लहसुन प्याज के, ठीक है जी। और अभी मैंने आज अपना मकबैंग डाला था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने लहसुन प्याज क्यों छोड़ा दीदी, हमें बताओ रीज़न बताओ। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं वो तो समझ पाए होंगे, पर जो लोग व्लॉग नहीं देखते उनको नहीं पता चल रहा है वहाँ पर। तो मैं अगले मकबैंग में बता दूँगी। आप लोग जानते हो कि सद्गुरु महाराज जी वृंदावन में, उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ मैं, उन्हीं की शरणागति है। दीक्षा नहीं ली है मैंने, दीक्षा इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है, पर अब मैं उन्हीं के कहे पे चल रही हूँ। तो मैंने तुलसी माला धारण करी है मैंने और मोहित ने। और तुलसी माला धारण करने के नियम होते हैं कि आपको लहसुन प्याज त्यागना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने लहसुन प्याज अपनी इच्छा से त्यागा है, अपनी इच्छा से तुलसी माला प्रसादी करके ग्रहण करी है। गुरु जी के वहीं से प्रसादी करवा ली थी मैंने, मतलब प्रसादी होता है कि राधा रानी के चरणों में लगकर आता है तो वो प्रसादी हो जाती है, माला ब्लेस्ड हो जाती है। तो वो हमने धारण करी है और लहसुन प्याज तब छोड़ना पड़ता है। मैंने कोई लड्डू गोपाल की सेवा घर में नहीं बिठाई है, किसी ने वहाँ पर लिख दिया था कि दीदी लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गई हैं इसलिए छोड़ दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना मैंने कहीं कहा है ऐसा। मैंने घर में कोई सेवा विराजमान नहीं करी है, लेकिन जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ अपने गुरुजी को, सद्गुरुदेव महाराज प्रेमानंद महाराज जी, वो युगल किशोर राधा कृष्ण के उपासक हैं, ठीक है। तो अगर आगे चल के कभी राधा रानी की कृपा हुई और हुआ भी तो मैं युगल किशोर जोड़े को ही करूँगी,
राधा रानी की जैसी इच्छा हुई। अभी बस मैंने इतना ही शुरू किया है कि मैं हम जो भी खाना खाते हैं उसका हम भोग लगा लेते हैं राधा कृष्ण के स्वरूप जो मैंने मंदिर में रखे हुए हैं। मैंने कोई सेवा अष्टयाम सेवा या कुछ भी नहीं पकड़ा ऐसा, लेकिन ये तो हमें गुरुदेव सिखाते ही है ना कि हम खाना खाने से पहले हर चीज़ भगवान को अर्पण करके खाएं ताकि वो प्रसाद बन जाए। तो वो हम पहले भी करते थे, लेकिन अपने बेड पे बैठे हुए खाना खाने से पहले करते थे। अब बस फ़र्क इतना है कि मैं मंदिर में उनकी अलग से मैंने थाली रखी है राधा रानी श्री कृष्ण जी की, वो भोग लगाती हूँ पहले उनको, फिर वो हम सब खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। इतना ही फ़र्क है। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो मेरा एक पहले वीडियो था ना जिसमें मैंने मकबैंग किया था, नो अनियन गार्लिक वाला शाही पनीर बनाया था, उसमें मेरे साथ एक हुई थी चीज़। मैंने नया नया अनियन गार्लिक छोड़ा था तब, तो मैं जिस दिन मकबैंग के लिए बना रही थी वो वाला शाही पनीर, मेरे को पता नहीं था मेरे पास MTH का शाही पनीर मसाला था, मैंने पढ़ा नहीं कि उसके अंदर अनियन गार्लिक है, और मैंने वो डाल के बना दिया। ठीक है, वीडियो में आपको मैंने पैकेट भी दिखाया, लेकिन राधा रानी की कृपा है कि मतलब खाने से पहले मेरे मन में आया एक बार कि मैं चेक कर लूँ। मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि उसमें लहसुन प्याज है, तो मैंने उस दिन वो सारी सब्जी अपनी मेट्स में बांट दी थी, और फिर मैंने दोबारा से मकबैंग के लिए बनाया था सिर्फ अचार या आलू मसाला डाल के। उस दिन मैंने सारे अपने MDH मसाले के पैकेट्स निकाल के सब पढ़ा किस किस में अनियन गार्लिक, और वो सब डब्बे मैंने अपनी मेट्स में बांट दिए थे। अब मेरे पास वही मसाले हैं जिसके अंदर अनियन गार्लिक नहीं है, अचार या आलू मसाला में नहीं है, चना मसाला में नहीं है, ऐसे ऐसे सब मैंने पढ़ के रखे हैं, तो अब मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है MDH का अचार या आलू मसाला, और इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में कहीं पर भी नहीं है अनियन और गार्लिक, ये थोड़ा सा ही बचा है, इसको मैं डाल रही हूँ। अब देखो आप लोगों से बात करते करते मैं फिर भूल गई मैंने इसमें नमक डाला है कि नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाती है पता है, वीडियो पे ध्यान चला जाता है ना कैमरे में कि एंगल ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है। देखती हूँ अभी मैं, तो अब मैंने चढ़ा दिया, अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा मैंने इसमें नमक डाला है या नहीं, एक बार सब्जी बन जाएगी ना। हाँ, अभी इधर मेरी तरफ देख के बात कर लेते हैं, एक बार सब्जी बन जाएगी ना फिर मैं चखूंगी सब्जी को बनने के बाद। अब इस पर भी कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो चखते नहीं हैं खाने को, झूठा नहीं करते, तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं जो फॉलो कर रही हूँ ना संप्रदाय, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ वो है श्री हरिवंश संप्रदाय। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव महाराज जी का, उसमें प्रेम भक्ति होती है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आपको बता सकती, ना तो मेरी हैसियत है बताने की और ना ही मुझे ऐसा ज्ञान है, पर जितना मेरे को पता जो मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें क्या है कि जैसे एक होता है ऐसा संप्रदाय जहाँ पर इस तरह से भोग लगाते हैं भगवान को कि कुछ भी पहले आप नहीं चख सकते, झूठा नहीं कर सकते भोग लगाने से पहले, लेकिन इधर श्री हरिवंश संप्रदाय में श्री जी को भोग लगाते हैं तो उनसे सहचरी भाव है, हर चीज़ आप प्रेम पूर्वक पहले इसलिए चखते हो देखने के लिए कि जो भी हम राधा रानी को श्री जी को पवा रहे हैं उसमें नमक ठीक है, मीठा ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो तो श्री जी को पवाने से पहले हम उसे ठीक कर दें ताकि उनको पवाने के समय वो अति उत्तम खाना हो, भोजन हो, तो इसलिए यहाँ पर उसको गलत नहीं मानते। लेकिन हमें सिर्फ इसी भाव से चखना है कि हम श्री जी के लिए वो चीज़ उत्तम बने इसलिए चख कर देख रहे हैं, अपने स्वाद के लिए हमें पहले नहीं खाना है। तो इसीलिए अब मेरे को जब ये सब्जी बन जाएगी तो मैं वैसे भी थोड़ा सा चख कर देखूँगी कि इसमें सब कुछ सही है, मेरी राधा रानी को खाना पसंद आएगा। तो सारा खेल भाव का होता है कि आपका भाव कैसा है, हम भगवान को किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, उनको हमारा हाथ का खाना खाकर थोड़ा ना पेट भरेगा, उनका पेट भरेगा हमारा भाव देखकर कि हमारा ये भाव है कि हम अपने हाथ से बनाकर अपने भगवान को खाना पवाएं। तो गुरुदेव महाराज यही कहते हैं कि वो आपका भाव देखते हैं, इसलिए चीज़ों को डर डर के मत करो कि मुझसे अपराध तो नहीं बन जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, अगर आपका भाव सच्चा है तो आपसे जो भी गलती होती है उसको माफ़ कर देते हैं भगवान।
तो मेरी तो शुरुआत है इस राह पर फ्रेंड्स, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी प्रे करना कि राधा रानी कृपा करें और अपना प्रेम दें मुझे, मुझे उनके श्री चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए जिसके लिए तरसते हैं भक्तजन। आपको दर्शन करवा देते हैं यहाँ पे मंदिर का सेटअप जो है, यहाँ पर मैंने ऐसे श्री जी को विराजमान करा है, हमारे गुरुदेव महाराज, मेरी राधा कृष्ण, मेरी राधा नाम भगवान। राधे राधे, आरती हो गई है, सबको प्रसाद दे दिया है, चरणामृत दे दिए। अभी मैं बैंगन आलू को ठीक कर रही हूँ, दो सीटी दिलाई थी मैंने कुकर में और उसके बाद मैंने कढ़ाई में निकाल लिए हैं बैंगन। तो ये अभी इसमें पानी है जो ये सूख जाएगा और मैं फाइनली इसके ऊपर डालूँगी कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके और थोड़ा सा फ्रेश धनिया।